हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मंथन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग एक बार फिर एक नई यूज के साथ उपस्थित हुए हैं और आज का जो हमारा स्पेशल यूज है वो है आपका लेट्स से दैट। क्या है लेट्स से दैट? इसका मतलब होता है, मान लीजिए कि, इसका मतलब होता है मान लीजिए कि, या चलो मान लेते हैं कि, चलो मान लेते हैं, यानी कि आज का जो स्पेशल यूज है लेट्स से दैट का, उसका मतलब होता है कि मान लीजिए कि, या चलो मान लेते हैं कि। देखिए, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको आप बनाते हैं, मानते हैं, या उस तरह के सेंटेंसेस का उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे दो चार सेंटेंसेस लू, जैसे कि मान लीजिए यह किताब आपकी है, चलो मान लेते हैं कि तुमने उससे झगड़ा किया, चलो मान लेते हैं कि तुम मेरे दोस्त हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस क्या होंगे लेट्स से दैट का उपयोग पे बनेंगे। वो क्या, जैसे कि लेट्स का और भी कुछ यूज है, जिन्होंने लेट के बारे में अपने पढ़ा है, मैंने इस पर कुछ वीडियो में भी बना चुका हूँ लेट्स के यूज के बाद से, लेट इट भी है, लेट्स है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करेंगे। यदि लेट का दूसरा अगर कोई यूज देखना चाहते हैं तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें लेट्स की वीडियो देख सकते हैं और उस पर जाकर आप लेट्स के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो होगा लेट्स से दैट। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर एग्जाम्पल लिख दूं, चलो मान लेता हूं कि तुम मेरे दोस्त हो, चलो मान लेता हूं कि तुम मेरे दोस्त हो। लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का इस्तेमाल अगर जो है इसको लेट्स यूज के जो है लेट्स से दैट के इस्तेमाल के साथ बनाएंगे। देखिए इन तरह के सेंटेंसेस को बनाने का जो रूल होता है वो सिंपल है एकदम। क्या करना है आपको, लेट्स से दैट जो आपका रू स्पेशल यूज है वो रखना है, फिर उसके बाद से आपको क्या रख लेना है, सेंटेंस। ठीक है, क्या रख लेना है, सेंटेंस। यानी कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का रूल लगाइए, पास्ट का है तो पास्ट का रूल लगाइए, फ्यूचर का है तो फ्यूचर का रूल लगाइए। ठीक है, तो देखिए इस सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करके दिखाता हूं कि इस यूज के तौर पे या इस रूल के अनुसार आप क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा, पहला कहता है कि लेट्स से दैट, आपको क्या रखना है, लेट्स से दैट, उसके बाद सेंटेंस है तुम मेरे दोस्त हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर माई फ्रेंड, क्या हो जाएगा, यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूं, दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मान लीजिए कि यह किताब आपकी है, मान लीजिए कि यह किताब आपकी है, तब क्या करेंगे, इसमें करने की कुछ है नहीं, आपका मैंने पहले ही बता दिया कि जो लेट्स से दैट है, मान लीजिए कि, चलो मान लेते हैं, या माना कि, इस तरह की सेंटेंसेस जिस तरह भी जैसे भी अगर आपको मिले या आप बोलते हैं तो उसको इस पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसको ट्रांसलेट करने का क्या हो जाएगा, लेट्स से दैट, क्या हो जाएगा उसके बाद से, दिस बुक इज योर, दिस बुक इज योर, यह किताब आपकी है, क्या हो जाएगा, लेट्स से दैट दिस बुक इज योर। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस क्या करेंगे हम लोग, लेट्स से दैट के इस्तेमाल पे बना सकते हैं। और एग्जाम्पल की मैं बात करूं, कोई और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, चलो मान लेता हूं कि
राधा अच्छी लड़की नहीं थी। चलो मान लेता हूं कि राधा अच्छी लड़की नहीं थी। हालांकि ये दोनों सेंटेंसेस मैंने प्रेजेंट के लिए लिए हैं और एक पास्ट के लिए है, ताकि आपको दिक्कत ना हो इस तरह के सेंटेंस ट्रांसलेट करने में। मैंने ही पहले बता दिया कि लेट्स से दैट रख, उसके बाद सेंटेंस जो रहेगा आप प्रेजेंट कर लेते हैं तो प्रेजेंट में रखिएगा, पास्ट कर लेते हैं तो पास्ट में रखिएगा, और फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर में रखिएगा। तो इसको ट्रांसलेट करने का क्या हो जाएगा देख लेते हैं। सिंपल सा आपका वही वाला रहूंगा, लेट्स से दैट क्या हो जाएगा, लेट्स से दैट। उसके बाद से बचता है आपका सेंटेंस राधा अच्छी लड़की नहीं थी, तो क्या हो जाएगा राधा वाज नॉट गुड गर्ल, राधा वाज नॉट गुड गर्ल। तो इसका पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, लेट्स से दैट राधा वाज नॉट गुड गर्ल। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको अगर मिलते हैं या कहीं आपको देखने को मिलते हैं तो आप उसको बेझिझक लेट्स से दैट पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। कुछ और भी सेंटेंसेस लगता है, जैसे अगर हम कोई सॉल्व करते हैं कह सकते हैं कि मान लीजिए यह एक त्रिभुज है, मान लीजिए कि स्क्वायर वर्ग है, तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको क्या होगा लेट्स से दैट के यूज पर ही बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नए यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।